जिला सोलन में कुछ दिनों पहले बसाल में दिशा फाउंडेशन नशा निवारण केंद्र चला रही थी। पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि यह नशा निवारण केंद्र अवैध रूप से चलाया जा रहा है। पुलिस ने उपायुक्त सोलन, मुख्य चिकित्सा अधिकारी और दल बल के साथ केंद्र पर रेड की और देखा तो पाया कि नशे से ग्रस्त करीबन 25 युवाओं को जेल रूपी भवन में रखा गया था, जहां किसी को आने जाने की अनुमति नहीं थी। लेकिन आसपास के लोगों का कहना है कि इस केंद्र से युवाओं के चीखने और चिल्लाने की आवाजें आती थी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार शर्मा ने बताया कि शिकायत के आधार पर केंद्र पर रेड की गई। संचालकों के पास नशा निवारण केंद्र चलाने के लिए कोई अनुमति नहीं थी। यही नहीं, केंद्र से प्रतिबंधित दवाइयां भी बरामद की गई, जिसके चलते दिशा फाउंडेशन के एमडी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि अभी तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है और मामले की जांच की जा रही है। जब जिला प्रशासन ने इस केंद्र पर रेड की तो वहां से प्रतिबंधित दवाइयां भी बरामद की और वहां से करीबन नशे से ग्रस्त 25 युवाओं को पंजाब वापस भेजा गया। संस्था के पास केंद्र चलाने की अनुमति नहीं थी, ऊपर से प्रतिबंधित दवाइयां भी केंद्र से पकड़ी गई, लेकिन फिर भी मौके पर कोई गिरफ्तारी नहीं की गई और अभी तक महज इस मामले में जाँच की जा रही है। एक सूचना प्राप्त हुई थी कि बसाल में एक रिहैबिलिटेशन सेंटर चलाया जा रहा है, जिसकी कोई परमिशन नहीं है। तो इस पे जो है डीसी और एसपी सर के अगुवाई में टीम जो है अलॉन्ग विद सीएमओ उस जो जगह थी जहाँ पे ये रिहैबिलिटेशन सेंटर चल रहा है उसको विजिट किया था। तो इसमें जब वहाँ पे इस रिहैबिलिटेशन सेंटर की परमिशन के बारे में जो भी वहाँ पे व्यक्ति चलाने वाले थे उनको पूछा गया, तो इनके पास कोई भी क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत कोई भी परमिशन होना ना पाई गई। और ये जो रिहैबिलिटेशन सेंटर है एक दिशा फाउंडेशन है उनके द्वारा चलाना पाया गया, और जो कि बेसिकली पंजाब से हैं। इनके जब सर्च की गई वहाँ पे तो कुछ प्रतिबंधित दवाएं जो कि एनडीपीएस एक्ट में बैंड हैं और उसके अलावा कुछ शेड्यूल एच ड्रग्स जिनको कि बिना लाइसेंस के नहीं रख सकते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर भी इस टीम को एकम्पनी कर रहे थे। तो उनकी स्टेटमेंट पे फिर जो है इसमें केस दर्ज किया गया है दिशा फाउंडेशन के जो एमडी हैं उनके अगेंस्ट, और इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सर इसमें कोई गिरफ्तारी है कुछ और है? नहीं, अभी अरेस्ट कोई नहीं हुई है इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है और उनका जो रिकॉर्ड वगैरह है उसको चेक किया जा रहा है।